मनोरंजन के मतलब स्टेज पे कुछ हो जाए खेसारी जी के बारे में बुरा शब्द तो क्या बुरा कभी हम जीवन में सोच भी खुद अपने बारे में सोच लेंगे मुझे मंजूर है बट उनके बारे में कभी जीवन में नहीं सोच सकी सारी जी तो खेसारी जी है उनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता है डांसिंग में एक्टिंग में लोग ये भी कॉमेंट कर रहे होंगे की बिवटी मेहता खेसारी से सा शादी कर लो गलत वे में ले लेंगे बिवटी को देखा खेसारी चुमा ले लिया बलवा पकड़ के कौन कहता था की मैडम एगो सेल्फी एगो सेल्फी तो ही सब पावर स्टार के साथ कब तक देखने को नजर आएंगे बाप रे बाप मजा आ गया कसम से गर्दा उड़ा दिए बड़ा स्टार अगर ब्यूटी मेहता को चुमा ले लेगा

थैंक यू और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सभी को दिल से नमस्ते और कैसे हैं आप और आप जो आज पूछिएगा वो हम जवाब देने के लिए तैयार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ काफी चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल रहा है क्या कुछ राज है हम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं और खुश रहते हैं क्योंकि कलाकार का, का काम रहता है की आप पहले खुद जब तक खुश नहीं रहोगे तो आप पब्लिक को कैसे खुश करोगे जो खेसारी लाल यादव के साथ स्टेज है उनका चर्चा काफी हो रहा है बेहद खुशी हो रही है और खेसारी जी के साथ तो कंटिन्यू दिख रहे हैं उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है और अभी जैसे कि हम लोग प्रोग्राम में गए थे तो आरजेडी का लहर चल रहा है अभी तो उन्हीं का प्रचार में हम लोग मतलब जम के मस्ती करके लगे हुए हैं पूरा और अच्छा लग रहा है और सोशल मीडिया पर तो आप लोग देखते ही रहते हैं कि क्या चलते रहता है नहीं चलते रहता है इतना जलवा क्यों बस ऐसे ही सबका सपोर्ट है प्यार आशीर्वाद है और अपना मेहनत है खेसारी लाल यादव मंच पे काफी मजा किया अंदाज में आ, आपके साथ जो बिहेव होता है खेसारी खेसारी का बिहेव जो होता है वो किया अंदाज में आपके साथ कर रहे हैं कैसा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है और वो उन्होंने मतलब जो भी बात स्टेज पे बोला और किया तो ये मनोरंजन के लिए क्योंकि ये सब आजकल के डेट में कॉमन बात है बहुत सारे लोग ये मजाक बना रहे हैं कि किस है फलाने ढिमका तो ऐसा कुछ भी, हाँ, भी जो खेसारी लाल यादव थोड़ा हिने आवो ना जब आप खेसारी लाल यादव के नजदीक जाती है तो खेसारी लाल यादव आपके गाल पे चुम्मा लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं बॉलीवुड में भी ऐसा होता है नॉर्मली हक करना किस करना लोग गलत वे में ले लेंगे कि बिब्टी को देखा ना खेसरिया चूमा ले लिया तो अपना सोच बदलिए आप सोच बदलिए देखने का नजरिया बदलिए तभी तो आपको दुनिया बहुत प्यार खेसरिया है। पे बिबटी मेहता को गुस्सा आता है की नहीं नहीं हम दिल से मानते हैं हम जब से होश संभाले तो बड़का स्टार अगर ब्यूटी में को चुम्मा चुम्मा लेगा ले तो बुरा नहीं लगेगा अगर कोई छोटा स्टार लेगा तो बुरा लगेगा ऐसा नहीं हमारे लिए छोटा बड़ा सब एक जैसे हैं और रही बात चुम्मा का और ये सब तो ये सब नॉर्म कॉमन बात हो गया आजकल के जनरेशन में बॉलीवुड में भी ऐसा चलता है लोग तो ऐसा आप लोग गलत मत समझिए प्लीज और सब 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 लोग सब लोग लोग हमारे लिए सुपर हीरो हैं 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 पावर स्टार स्टार ट्रेंडिंग और पर्सनली मैं मेरे लिए कोई ये नहीं है तो हम सबको मानती हूँ खेसारी जी तो जी हैं पवन जी तो पवन जी हैं और हम एक एक तरफा बोलेंगे तो फिर सब लोग बोलने लगे की ब्यूटी जी विवाद कर रही है तो प्लीज मुझे विवाद में मत लाइए और मैं विवाद कभी बोलती भी नहीं अब पवन सिंह के गाने पे आप वायरल हुई अब बिहार में नहीं बल्कि पूरे कहे तो भारत में आपका चर्चा हुआ जिस समय आप वायरल हुई अभी भी चर्चा है पावर स्टार के साथ कब तक देखने को नजर आएंगी वायरल होना ये मतलब आजकल सोशल मीडिया की जमाना है तो हर पंद्रह दिन एक महीने में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा आ, कोई ना कोई फेमस होते रहता है तो फेमस होना बड़ी बात नहीं है स्टार्डम बचाना बड़ी बात है तो आप लोग पूछने आते हैं मुझसे कि पवन सिंह के साथ आप कब नजर आ रहे हैं खेसारी जी के साथ मैंने गाना किया अभी तो कंटिन्यू देख रहे हैं शो में भी दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है पवन सिंह के साथ भी नजर आए हैं बिल्कुल तो मुझे लगता है कि मेहनत में थोड़ा सा कमी है जब आप स्टेज शो कर रही थी खेसारी लाल यादव के साथ तो लोगों का रिएक्शन क्या था के प्रति? बाप रे बाप रे बाप, मजा आ गया से, गर्दा उड़ा से, और खेसारी, तो खेसारी कॉम्बिनेशन तो तो, मुझे लग रहा था अच्छा था और खेसारी जी तो खेसारी जी हैं उनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, डांसिंग में एक्टिंग में और काफी अच्छा, खेसारी क्या है कोई ना हाँ बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी छोटी बहन चांदनी भी थी तो तीनों मिल के कमर तो डांस की है मीडिया वाले लोग काफी वायरल कर रहे हैं एकदम तो लिख लिख के उल्टा सीधा उल्टा सीधा तो आप लोग उल्टा सीधा देखिएगा तब तो, तो आप लोग को वही समझ में आएगा अच्छा, पीछे का बात आप है? एक बात बोल रही थी अभी ऑफ कैमरा की एक लड़का आया और आपका बाल पकड़ लिया बोल रहा है। नहीं बोल रही थी एक लड़की थी तो मतलब अरे तो पकड़ के कौन कहता मैडम एगो सेल्फी एगो सेल्फी तो ये सब गलत बात है मतलब क्राउड था आपके हुआ साथ है? नहीं बिल्कुल भी नहीं देखिये हम लोग हमेशा अच्छे मतलब नाम से मुझे लोग जाना जाता है मेरा छवि आप लोग के वजह से अच्छा है तो ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ एक लड़की थी पीछे में तो ऐसे करके मतलब लोग क्राउड में आप जानते हैं ना भीड़ भाड़ में अगर आप कहीं अटक जाएंगे थोड़ा सा टचिंग वचिंग होता है लोग थोड़ा सा सेल्फी के लिए फोर्स कर देते हैं तो ये सब भी बात है और कोई बात नहीं है और जो उल्टा सीधा लोग मतलब दस को लिख के डाल रहे हैं फलान ढील वही की ब्यूटी जी को खेसारी जी ने किस कर लिया तो ये कर दिया अरे ये सब क्या बात है यार लोग ये कमेंट कर रहे होंगे कि खेसारी से शादी कर ला अरे बाप रे देखिए ये बात है ना कि जैसे कि पब्लिक वहां पे रहते हैं तो आप कलाकार हैं तो आप कलाकारी का मतलब आप मनोरंजन नहीं करवाइएगा तो आपको कौन कलाकार मानेगा तो अगर खेसारी जी कुछ तो मनोरंजन के मतलब स्टेज पे कुछ हो जाए कुछ क्या कुछ क्या हो रहा है बॉलीवुड में आप देख लीजिए ना जाके भोजपुरी का छोड़ दीजिए बॉलीवुड में देख लीजिए जैसे कि अब मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग होते हैं किस करते हैं हेलो सर एक्सक्यूज मी जैसे कि पहली बार मिलते हैं तो अहक करते हैं किस करते हैं माथे पे यहाँ तो ये क्या किस का मतलब लिप टू लिप आप कर रहे हैं पूरा पब्लिक के सामने तब वो किस हुआ ये प्यार आशीर्वाद हुआ यार समझा समझा के थक गए लेकिन आप लोग नहीं मानने वाले हैं और आप लोग ये बात जिस दिन मान जाइएगा ना कसम से भोजपुरी इंडस्ट्री बदल जाएगा बिहार पूरा ऊपर चला जाएगा अच्छा जो ऑडियंस जिस चीज के लिए कॉमेंट करते हैं उस बात में कि, कितना सच्चाई है और कितना बुराई है कितना है और कितना बुराई है उस बात में देखिए मुझे तो लगता है लगभग तो गलत ही आप लोग बोलते हैं नो डाउट इसमें और जैसे कि नहीं नहीं गलत नहीं बोल ऑडियंस का भी गलत नहीं हो सकता ऑडियंस गलत नहीं हो सकता है मतलब कुछ लोग के बारे में बोल रहे हैं अब ऑडियंस तो हमारे लिए भगवान है क्योंकि उनके बदौलत हम है तो हम ऑडियंस को गलत नहीं बोल सकते हैं उन लोगों को गलत हम बोल रहे हैं जो नए नए अफवाहों को फैलाते हैं तो उन लोगों के लिए मैं पर्सनली ये कह रही हूँ कि प्लीज ऐसा आप लोग मत कीजिए नॉर्मली देख रहे हैं ना जैसे कि ए, काजल राघवानी को भी खेसारी जी किस करते हैं रक्षा गुप्ता को भी किस करते हैं तो क्या ये सब प्यार आशीर्वाद है ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप लोग गलत सोच के बैठ जाइए तो ये सब मत बुलवाइए हमसे और ना ही इन सब चीज के बारे में आप लोग इनके बारे में क्या कुछ कहना है और भोजपुरी के बारे में क्या कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तो तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आभार जय हिंद जय बिहार जय भोजपुरी